पढ़ते रहिए। और मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, उपसारणी और एक सखंड। दो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, उपसारणी और सखंड। तो हम लोग देखते हैं उपसारणी क्या होता है। तो एक हम पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं सारणी का, 2, 4, 6, 8, 5, 3, -5, 0, 1। ये सारणिक हो गया। सारणी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा से। ये तो सारणिक है। अब क्या बताना है? उपसारणी। तो इसमें कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। तो प्रत्येक अवयव का अलग अलग उपसारणिक निकलता है। ये 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 का उपसारणिक। ऐसे हम लोग उपसारणिक को एम से सूचित करते हैं, कैपिटल एम से सूचित करते हैं। तो 2 जो अव्यय है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? इसका पोजीशन जो होगा A11 है ना, ठीक है। और इसका पोजीशन है A12 और इसका कितना है? A13। तो 2 के उपसारणिक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M11। तो ये पोजीशन के अनुसार ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए M11 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको ढक कर जो सारणिक बनेगा वो उपसारणिक कहलाएगा। तो ये 2 है और इस तरह से ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को ढक दिया, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम ढका गया। तो क्या बचा? ये 5, 3, ये 5, 3, 0, 1, ये सारणिक आया। यही सारणिक जो है ये 2 का उपसारणिक कहलाया। तो यहाँ पर ये 2 है तो 2 का ये 2 क्या है? एक सारणिक का अवयव है। तो किसी भी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक एक सारणिक होता है। क्या फिर समझे? किसी भी अवयव के उपसारणिक एक क्या होता है? सारणिक होता है। और वो सारणिक कैसे प्राप्त होता है? तो अवयव जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं या मिटा देते हैं। इस तरह से तो जो बचेगा या 5301 बचा इसी का सारणिक किया है। तो हम लोग इसको डिफिनेशन कर सकते हैं कि किसी सारणिक के किसी अवयव के उपसारणिक एक सारणिक होता है जो किसी रो और कॉलम को हटा देने पे प्राप्त होता है। तो ये मेरा उपसारणिक निकल गया। अब क्या करेंगे? ये 2 ऑर्डर का सारणिक है, इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से, तो 5 0 को 3 से, 0 को 3, तो कितना हो जाएगा? 5 - 0 = 5। तो 2 के उपसारणिक जो निकला वो कितना निकला? 5 निकला। इसी तरह से हम क्या करते हैं? 4 का देखते हैं। ये 4 का उपसारणिक फोर का पोजीशन तो क्या है? A12 है, इसको हम क्या लिखेंगे? M12। और ये 1-2 है तो फर्स्ट रो बताता है, 2 जो है वो कॉलम बताता है। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ये दोनों को ढक देंगे। यहाँ से पता चलेगा किसको ढकना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को इस तरह से ढक दिए। अब जो सारणी प्राप्त होगा उसी को ये जो सारणी प्राप्त होगा वही सारणी जो होगा 4 का उपसारणी कहलाएगा। तो क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर? 8, 3, 8, 3 और ये -5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, फिर -5 को 3 से गुणा करेंगे तो -15, ये कितना? 8 - ये प्लस हो जाएगा और ये 8 - 5 = 23 हो जाएगा। इस तरह से ये 4 का उपसारणिक निकल गया। सेम तरीका से 6 का निकाल सकते हैं, 8 का, 5 का, 3 का, फिर -5 का, 0 का, यानी कि सभी अवयव का हम लोग उपसारणिक निकाल सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट दूसरा निकाल के बताते हैं, इस 5 का निकालते हैं। इस 5 का उपसारणिक कितना होगा? 5 का उपसारणिक निकालने के लिए ये 5 का जो पोजीशन है वो किसमें है? ये सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? M22 लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे? इसको सेकेंड रो को और सेकेंड कॉलम को ढक देंगे। तो क्या मिलेगा हमको? 2 मिला, ये 6, इस तरह से ढका जाएगा, ये 2 पूरा ये ढकाएगा, ये 2, 6, 5, -5, 1, -5, 1, ठीक है। ये
फाइव जो है सेकेंड रो में, सेकेंड रो को भर देंगे, फिर किसमें है सेकेंड कॉलम में, पूरा सेकेंड कॉलम भरा जाएगा इसका, सेकेंड कॉलम भरा जाएगा, तो क्या दिखाई देगा, ये टू सिक्स माइनस फाइव ये वन, इसको और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा इससे मैं, तो ये दो के एक से गुना करेंगे टू, ये आप गुना का माइनस, और उसके बाद कितना ये पाँच इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा तीस, ये दो माइनस माइनस प्लस ये तीस कितना हो जाएगा बत्तीस। इस तरह से हम लोग उपसारणिक निकालना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख लेते हैं, और तो देखते हैं सारणिक का डिफिनेशन यहाँ पे, सारणिक के किसी अवयव ए आई जे, ए आई जे का मतलब किसी भी अवयव हो, कोई भी अवयव हो गया सारणिक के, तो सारणिक के किसी अवयव ए आई जे के उप सारणिक एक सारणिक होता है जो आई वी पंक्ति और जे वी स्तंभ के हटाने से प्राप्त होता है। तो ये ए आई जे के उप सारणिक को एम आई जे से सूचित करते हैं। तो एक एग्जांपल फिर से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेते हैं, टू फोर फाइव सिक्स ये हो गया। यहाँ पे पूछा है कि दो का उपसारणिक बताइए, दो का उपसारणिक क्या होगा, तो दो जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एम वन वन से, और उसके बाद क्या होता है कि ये दो जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको क्या करना हटा देना है। तो ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो हट गया, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम हट गया, तो क्या बचा सिक्स बचा, तो ये क्या करेंगे सिक्स लिखेंगे यहाँ पे बस इस तरह से, या अब सारणिक में लिखिए इस तरह से, और इसका सारणिक जो निकलेगा वो सिक्स होगा, ये मॉड नहीं है यहाँ पर, यहाँ सारणिक होगा। फिर कितना का चार का लेते हैं, चार का उपसारणिक को हम किसे सूचित करेंगे, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या लिखेंगे एम वन टू, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इस तरह से ढाक देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा फाइव पाया, यानी कि सारणिक ही प्राप्त होगा, ये सारणिक फाइव लिखेंगे और इस तरह से ये फाइव होगा। अब फाइव का करना होगा, तो फाइव का उपसारणिक लिखने के लिए क्या करेंगे, ये आपका सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो है तो टू लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम है तो वन, एम टू वन, तो ये टू और वन ये ढक जाएगा फोर आएगा, तो ये फोर लिख के यहाँ पर फोर कर लेते हैं, ठीक है। अब कितना सिक्स का निकाला, अपना सिक्स का उपसारणिक निकालने के लिए इस तरह से एम कितना हो जाएगा टू टू, सिक्स जो है सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में, और इस तरह से ये भर जाएगा ये टू आएगा, जिस तरह से ये उपसारणिक निकल गया। अब तीन ऑर्डर का लेते हैं, एक क्वेश्चन आप दूसरा दिखाते हैं, तीन ऑर्डर का ये माइनस वन जीरो टू, ये आपका फोर फाइव जीरो टू फाइव सिक्स इस तरह से, और आपको बोलता कि एम वन थ्री निकालिए, तो आपको समझना है कि एम मतलब कि उपसारणिक निकालना है इसका अवयव वन थ्री का, तो वन थ्री कौन होगा, ये आपका वन थ्री है, तो इस तरह से ढक लेंगे यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा फोर फाइव टू फाइव, और कितना यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये पाँच हो जाएगा बीस और माइनस कितना दस, ये कितना हो जाएगा दस, तो कितना निकला मेरे को एम वन थ्री कितना निकला दस निकला। अगर फिर से कोई क्वेश्चन रहता है एम आपका कितना टू थ्री निकालना, टू थ्री ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम में ये है क्या टू थ्री, तो इस तरह से इसको ढक लेंगे ऐसे और ये ढक लगा ऐसे ना, ध्यान से कीजिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हम लोग ढक देंगे ना, तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस एक जीरो टू पाँच। अब क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक को पाँच से गुणा करेंगे माइनस पाँच माइनस टू गुने कितना जीरो, तो ये माइनस फाइव आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे उपसारणिक निकाल देंगे, आप ये उपसारणिक निकालना ये सीख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा टर्म पढ़ते हैं को फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसी का दूसरा टर्म है को फैक्टर, और इसी का आगे का टॉपिक है सबखंड को फैक्टर सखंड, यहाँ पे जिस तरह से हम लोग माइनस निकाल रहे हैं उसी में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहले एक
डिटरमिनेंट होमोलॉजी कहते हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए का क्या कहेगा सखंड निकाल देगा सखंड। तो हम लोग सखंड को सूचित करते हैं कैपिटल ए आई जे से या दूसरा सी आई जे से, कैपिटल सी आई जे सखंड को ए आई जे से, कैपिटल ए आई जे से या सी ए सी आई जे से सूचित करते हैं सखंड को। और ये कैसे निकलता है, ए ए वन वन है यहाँ पर हम लोग माइनस वन उसके ऊपर पावर होता है आई प्लस जे और एम वन वन या यहाँ पर आई जीरो, यानी कि आपको बता देते हैं पंद्रह सौ घंटे का विघटन करेंगे ए आई जे ये फॉर्मूला हो गया सखंड का। ए आई जे का सखंड जो होगा वो माइनस एक पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो एम आई जे आपका क्या है, उपसारणिक है, बस थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, इतना जो टर्म है माइनस वन पे पावर माइनस वन पे पावर आई प्लस जे ये नया टर्म आ गया आई इंटू कितना एम आई जे। तो आप आगे निकालते हैं ए वन वन का सखंड निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस वन लिख लेंगे और कितना है आई एक जे भी कितना एक, तो एक प्लस एक इंटू एम वन वन एम वन वन हो जाएगा। तो ये माइनस एक पर पावर एक जोड़ एक कितना हो जाएगा टू और वन वन कैसे निकलेगा, तो इस तरह से ढक लेंगे हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे और क्या निकलेगा ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री, इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए वन का सखंड निकल जाएगा। तो सखंड आपको निकालने का तरीका मालूम हो गया, सखंड को हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो सखंड जो होता है वह किसी सारणी को हम लोग सखंड को ऐसे लिख सकते हैं सखंड को ए आई जे या सी आई जे के द्वारा सूचित करते हैं और या जिस प्रकार परिभाषित है ए आई जे के सखंड माइनस वन का पावर आई प्लस जे एम आई, जिस तरह से हम लोग सखंड निकालते हैं तो सखंड निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे किसी भी अवयव का सखंड निकालने का। तो एक एग्जांपल लेते हैं और सखंड निकाल कर बताते हैं। तो लोग देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर डेटा इक्वल टू वन टू फोर माइनस टू माइनस फाइव सिक्स टू माइनस एट सेवन, ये डिटरमिनेंट है और क्वेश्चन है कि वन का सखंड बताना है, ये अपने वन है इस वन का सखंड आपको निकालना है। तो ये वन का सखंड को हम लोग सूचित करेंगे कितना से ए वन वन, क्यों ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है तो ए वन वन लिखिए और यहाँ पे कैसे परिभाषित है ए आई जे के सखंड को कैसे लिखते हैं माइनस वन पे पावर, तो माइनस वन पर पावर क्या देना है आई जे, ये फर्स्ट वाला आई होता है ये सेकंड वाला जे, यहाँ पर आई का मतलब एक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक प्लस एक, आई का मतलब एक यहाँ पर जे का मतलब भी एक हो जाएगा एक एक है। और उसके बाद एम वन वन हो जाएगा ये एम आई का मतलब कितना एक और एक, तो इस तरह से माइनस वन पे पावर टू हो जाएगा। और एम वन वन कैसे निकालते हैं ये फर्स्ट रो और फर्स्ट रो को ढक कर जो सारणिक प्राप्त होगा तो ये प्राप्त हो रहा है माइनस फाइव सिक्स माइनस एट सेवन, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो एक लिख लेते हैं हम लोग
और यहाँ पे -5, -6, -8, 7 अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको विस्तार करेंगे, गुना करते हैं, माइनस कितना 35, ये फॉर्मूला का चिन्ह, और ये माइनस कितना हो जाएगा 8 × 48, ये -35 -10 = 48, ये 8 में से 5 कटेगा, 4 में से 3 कटेगा, तो ये प्लस 13 आ गया आपका, ये सेगमेंट निकल गया, किसका निकला, तो 1 का निकला, यानी कि 1 का सखंड कितना आया, 13 आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे A11, आगे निकलना होगा A12, A12 मतलब 2 का सखंड, 2 का सखंड, 2 के सखंड कैसे होगा, -1 और यहाँ कितना है 1 और प्लस कितना लिखेंगे 2, क्या लिखा हुआ, आई प्लस जे, तो आई का जगह 1 लिया, जे का जगह कितना 2 आ गया, और फिर कितना हो जाएगा M12, तो -1 और 2 का कितना होगा 3 पावर, और 1 2 यहाँ लिख लेंगे, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम घर लेंगे इस तरह से, तो -2, 6 और 2, 7 यहाँ पे -2, 6 और 2, 7 यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना -1 पर 3 पावर, विषम संख्या है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ से गुना करते हैं 2 को 7 से, -14 हो जाएगा, फिर ये -6 गुना कितना 12, ये माइनस, ये 4 2 6 और 1 2 26, -26 हो जाएगा, और ये -26 + 26, इस तरह से 2 का भी निकल गया। इस तरह से क्या करते हैं, पूरा इसमें कितना है 9 है, 9 अवयव है, उस सारे 9 अवयव का हम लोग क्या करना, बारी बारी से सेगमेंट निकाल देते हैं, एक आप निकाल के बता देते हैं, और ये इसका निकाल देता हूँ, -8 है तो -8 का सखंड, -8 का जो पोजीशन होगा वो कौन सा होगा, ये थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में है, तो क्या लिखेंगे, थर्ड रो में है तो A3, और यहाँ पे सेकेंड कॉलम है तो 2, तो A3 2, क्या करना है, -1 लिखना है, उस पर पावर ये दोनों को जोड़ देना है, 3 2 3 + 2 का देना है, उसके बाद m और 3 2 लिख देना है, तो ये कितना होगा 3 2 5, -1 पर कितना पावर 5 हो जाएगा, -1 पर कितना 5 पावर, और 3 2 तो ये 8 जो है जिस रो में है, ये रो भग गया और ये कॉलम भग गया, कितना है 1 4 -2 6, तो कितना 1 4 और ये -2 6, इस तरह से तो -1 पर कितना पावर 5 पावर, तो माइनस आ जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, -1 पर विषम पावर होगा तो माइनस संख्या आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा, -1 पर क्या आएगा, सम पावर होगा तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पर 5 विषम है तो माइनस रह गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 6 से 6, फिर ये फॉर्मूला का माइनस, और ये कितना -2 को 4 से गुणा करेंगे तो -8, तो -8 + 8 हो जाएगा, ये कितना होगा -14, इस तरह से हम लोग को फैक्टर निकाल लेते हैं। तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए और दो-तीन वो क्वेश्चन खुद से लेके माइनर निकालना सीखिए, उपसारणिक निकालना सीखिए और को फैक्टर निकालना सीखिए, फिर मैं इसके लिए कल एक्सरसाइज लेके आऊँगा, तब तक यूट्यूब चैनल देखते रहिए, दिव्यार के यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए धन्यवाद।